अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नरगिस प्लांट्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। काफ़ी टाइम हो चुका है और हमारे चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही है, जिसके लिए हम दिल से आपसे माफ़ी चाहते हैं। और आज हम आपको बताएंगे हमारे गर्मियों के और साथ ही बरसात के मौसम में खिलने वाला एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, और इस प्लांट को आप कैसे लगा सकते हैं, इसकी देखरेख कैसे कर सकते हैं, और इस प्लांट को आम भाषा में और फ्लावर्स की भाषा में किस नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे गूगल पर सर्च करते हैं मोज रोज़, जी हाँ दोस्तों, इसका नाम जो है नर्सरी लाइंस में मोज रोज़ के नाम से जाना जाता है, और इस प्लांट को लोग आम भाषा में 10 बजी या 12 बजी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो फ्लावर्स हैं वो 10 बजे या 12 बजे खिलते हैं और 4-5 घंटे रहते हैं, और उसके बाद जो है मुरझाना शुरू हो जाते हैं। बात करें अगर आप इसे अगर लगाना चाहते हैं अपने घर पर, तो आप इसे नर्सरी से या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अगर आपने किसी के घर पर इसे देखा है, किसी के गार्डन में देखा है, तो आप चाहें तो बड़े ही आसानी से इसे ट्रिम करके या हाथों से तोड़कर इसे लाकर अपने गमले में लगा सकते हैं। ये बहुत ही इजीली लग जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसकी देखरेख के लिए बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ये जो प्लांट है, अगर आप इसे गर्मियों के मौसम में हर रोज़ पानी देते हैं या 2 दिनों पर पानी देते हैं, इसके बावजूद ये प्लांट जो है सूखता नहीं है। इसकी देखरेख के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वही बात करें इसकी खूबसूरती की, तो आपको ये अपने टेरेस गार्डन पर ऐसा एहसास दिलाएगी जैसे कि आप किसी प्रीमियम टेरेस पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इस फ्लावर की खूबसूरती जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। काफ़ी सारे लोगों को फ्लावर्स की स्मेल पसंद नहीं होती है, उन लोगों के लिए भी ये फ्लावर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं होती है, और इसकी खूबसूरती और साथ ही इसका जो छोटा छोटा कलर है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपने गार्डन में मोज रोज़ लगा रखा है, तो कितने कलर्स लगा रखे हैं? मैंने अपने गार्डन पर लगभग 8 से 10 मोज रोज़ेस के प्लांट्स लगा रखे हैं। फ़िलहाल मैं आपको पिंक कलर का इस मोज रोज़ के बारे में बस जानकारी दे रही हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसका पिंक कलर और साथ ही इसका बीच का जो शेड है वो येलो कलर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों, अगर आपने भी मोज रोज़ अपने गार्डन में लगा रखा है, तो कौन कौन से कलर्स लगा रखे हैं कमेंट के ज़रिए हमें अपनी जानकारी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो में अगर कोई गलती रही तो प्लीज़ छोटी बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा, और साथ ही हमें सपोर्ट कीजिए, हमें अपना प्यार दिखाइए, क्योंकि हमें इस वक्त आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नरगिस प्लांट के चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दिल से थैंक यू, आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, थैंक यू।